सर आपकी पार्टी के जो मौर्य जी हैं वो करे कि हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है, रोज गाली पड़ रही है सर उनको। तकनीकी तौर पे तो उनकी बात सही है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि राजनीतिक लोगों को ऐसे विवादास्पद बयानों से बचना चाहिए। लेकिन बाबा ने कह दिया कि हम उनको जो है इनाम घोषित कर दिया उनके मौर्य के खिलाफ। वो बाबा तो बाबा कहाँ है, वो फर्जी बाबा। ठीक, लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले एक देश एक चुनाव की बात चुकी जा रही है, इससे पहले इस पूरे विषय को लेकर क्या सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो जाते हैं? नहीं, सरकार की मंशा तो ये है कि आजीवन यही बने रहें, ये इनके प्रकार कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालते रहें कि सत्ता ना बदले, सरकार ना बदले। उसके लिए इन्हें कितना ही घुमाना फिराना पड़े, संविधान चेंज करना पड़े, लेकिन इस देश के ब्लड में लोकतंत्र है, इसके रक्त में लोकतंत्र है, ये देश सहन नहीं करेगा लोकतंत्र को खत्म करने का कोई प्रयास। इंदिरा गांधी का प्रयास भी विफल हुआ था, इनका प्रयास भी विफल। पर संविधान बदलने की तो चर्चा हो रही है ना, देखिए। हाँ, चर्चा के खुलेआम कह रहे हैं वो, तो कई बार तो इन्हें इन सारी चीज़ों से तो दिक्कतें चाहते हैं। ये तो जब संविधान लागू हुआ था, जो हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया, और उसके दो दिन बाद 28 या 29 नवंबर के ऑर्गेनाइजर में, उस समय इनके आरएसएस के जो प्रमुख थे गुरु गोलवलकर, उनका लेख था इस संविधान के खिलाफ। उन्होंने साफ लिखा था कि हम इस संविधान को नहीं मानते, हमें मनुस्मृति का संविधान चाहिए, मनुस्मृति पर आधारित संविधान होना चाहिए। ये संविधान तो कटिंग पेस्टिंग से बनाया गया, भले अलग अलग देशों के अलग वो बातें इसमें जोड़ दी गई हैं, तो ये तो कभी संविधान के समर्थक नहीं रहे। जब हमने तिरंगा झंडा स्वीकार किया था तब इन्होंने लेख लिखा था कि ये अशुभ होते हैं तीन रंग, तो ये राष्ट्रध्वज के खिलाफ रहे हैं, राष्ट्रीय संविधान के खिलाफ रहे हैं, राष्ट्रपिता की हत्या इन्होंने की है, संविधान निर्माता बाबा साहब का कभी इन्होंने सम्मान नहीं किया, ये हमेशा विरोध में रहे सर हिंदू राष्ट्र के। अब प्लीज लो जी।